नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए एक परेशान करने वाली खबर है। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने बिहार में 28,79,116 राशन कार्ड को रद्द करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद ही अब ये लोग सरकार की तरफ से सस्ते दर से मिलने वाले सरकारी अनाज से वंचित होने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये वैसे कार्डधारी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस कानून के तहत बिहार के अब सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जांच कर उन्हें रद्द कर दिया गया है। बिहार में वर्तमान समय में 1,81,00,000 राशन कार्ड धारी है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार की माने तो बिहार के सभी जिलों के डीएम को 31 मई तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल अपात्रों के राशन कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद ही अब ऐसी बातें सामने आ रही है कि राशन के लाभ से वंचित होने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। नए कानून में वैसे व्यक्ति जिनकी आय मासिक 10,000 से अधिक है तो उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। विभाग की माने तो चार पहिया वाहन, सरकारी नौकरी, आयकर भरने, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि, व्यवसायिक टैक्स भरने या फिर अन्य संसाधनों से संपन्न लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाना है। लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा। वहीं जिलावार राशन कार्ड रद्द किए जाने की बात करें तो बिहार में अब तक रद्द किए गए राशन कार्ड में सबसे अधिक 2,46,935 राशन कार्ड समस्तीपुर में रद्द किए गए हैं। अररिया में 66,000, अरवल में 13,783, औरंगाबाद में 88,027, बांका में 19,320, बेगूसराय में 1,36,167, भागलपुर में 86,604, भोजपुर में 63,268, बक्सर में 51,561, दरभंगा में 1,08,983, गया में 40,434, गोपालगंज में 75,765, जमुई में 25,991, जहानाबाद में 45,505, कैमूर में 15,134, कटिहार में 98,531, खगड़िया में 42,340, किशनगंज में 37,590, लखीसराय में 24,160, मधेपुरा में 31,906, मधुबनी में 75,264, मुंगेर में 31,492, मुजफ्फरपुर में 1,99,349, नालंदा में 72,240, नवादा में 70,531, पश्चिम चंपारण में 1,55,889, पटना में 31,490, पूर्वी चंपारण में 2,36,335, पूर्णिया में 28,773, रोहतास में 27,157, सहरसा में 59,432, सारण में 84,647, शेखपुरा में 39,592, शिवहर में 31,861, सीतामढ़ी में 99,095, सिवान में 1,11,731, सुपौल में 56,501, वैशाली में 1,49,731 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, जिसके बाद ही अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाए और एक बार जांच जरूर कर ले, क्योंकि हो सकता है अगली बार आप राशन लेने जाए तो आपको खाली हाथ ही लौटना पड़े। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।